हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा आप जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 और नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी है, तो अब जो नेक्स्ट आता है वो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिएक्टिविटी की। तो हमारे पास फर्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, तो रिएक्टिविटी में किसकी बात करूंगा, कौन कौन है हमारे पास, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड बिस्मिथ है। ठीक है, तो हम इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो जो कॉमन जनरल ट्रेंड हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर बढ़ती है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है ना। ऐसे ही नॉन मेटल्स में क्या होता है कि जैसे जैसे साइज छोटा होता है, उल्टा है यहाँ पर, जैसे जैसे साइज स्मॉल होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर बढ़ती है और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। जैसे फ्लोरीन सबसे छोटा है अपने ग्रुप में और वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, ऐसे ऑक्सीजन भी है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पर, तो जनरल बिहेवियर क्या होना चाहिए कि नाइट्रोजन शुड बी मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट होता बिल्कुल उल्टा है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा कि जो हम जो रेंसिडिटी थी, उस रेंसिडिटी को हम स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। जो चिप्स कुरकुरे होते हैं हम क्या करते हैं, उनको नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं ताकि उसका वो जो फूड है वो रेंसिड ना हो पाए। ठीक है, तो बात तो यहां पर नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव क्यों हो गई, तो यहां पर क्या एक्सेप्शनल हुआ, तो देखो यहां पर तो क्या कहता है कि जो नाइट्रोजन है इन एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है, मतलब जब हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन N2 इज लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और इसका पॉसिबल रीजन क्या होगा, इज इट लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्डिंग बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम। अब देखो हमने से पता है ना कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, तो अब ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल हो चुका बिल्कुल, है ना, मोह माया से ऊपर उठ गया है। तो अब अगर अब इस नाइट्रोजन को किसी के साथ रिएक्शन करनी है तो सिंपल सी बात, क्या मुझे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसको अनस्टेबल बनाना पड़ेगा। अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी। तो कहता है कि नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर या एटमोस्फियर में इतनी एनर्जी होती नहीं है कि वो इसका बॉन्ड तोड़ पाए, जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो क्या रहेगा, ये किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा। तो क्या कहता है कि इज लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्डिंग बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स एंड ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से क्या हुआ, एंड ड्यू टू दिस द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंथैल्पी इज वेरी लार्ज, हेंस इट डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। हाँ, अगर हम इसको बहुत हाई टेम्परेचर दे तब तो रिएक्शन कर जाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि बॉन्ड टूटेगा नहीं, समझ में आएगा। तो नाइट्रोजन को तो भूल जाओ। अब इन सब में फिर से कॉमन बिहेवियर, जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या हो जाएगा, वो रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अमंग रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं, एज द साइज इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, या द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रीजन ड्यू टू डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फॉस्फोरस। रीजन क्या हो जाएगा कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन लेने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है, तो नाइट्रोजन का एक्सेप्शनल केस था, उसका रीजन आप याद रखोगे और बाकी केस में नॉर्मल हो गया।
नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तब ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि वो किसके साथ और कितने बॉन्ड बनाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, द चार्ज कैरी बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में किसी भी एटम पर्टिकुलर के ऊपर कितना चार्ज होगा वो क्या कहलाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अब जो नाइट्रोजन ग्रुप 15 ग्रुप है हमारे पास, या नाइट्रोजन फैमिली है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। और फिर दूसरी चीज ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोवेलेंट कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयोनिक कंपाउंड। तो कोवेलेंट का मतलब तो क्या होगा कि भाई उसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किए, बस उससे इलेक्ट्रॉन किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रखे जाने चाहिए थे वो थोड़े से दूसरे की तरफ डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, आयोनिक का मतलब क्या होगा कि भाई उसे वो इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं। क्लियर है, तो हमारे पास हम पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन फैमिली की जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो नॉर्मली कितनी शो करेंगे, भाई इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे स्टेबल हो जाएंगे, मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिख सकते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स जनरली शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट से। ठीक है, क्योंकि वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, तो स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, सिर्फ 3, सो दे रिक्वायर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। मतलब उनको स्टेबल होने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, इसलिए वो क्या शो करेंगे, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया चीजें, ठीक है, कि -3 ही क्यों शो करते हैं, क्योंकि स्टेबल होने के लिए उन्हें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब क्या कहता है कि अब इसमें जो बात नोट करने की है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सही बात है ना, कि भाई जब डाउन द ग्रुप आएंगे साइज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन ही नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो -3 को ही ना शो करेंगे वो। ठीक है, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक जनरली -3, जबकि एंटीमनी और बिस्मिथ बहुत रेयर केस में -3 शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास Only nitrogen form N3 ion or nitride ion, क्या बोलते हैं इसको, nitride ion। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सब -3 शो करते हैं, बट वो -3 क्या होगी, कोवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को बस हल्का सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जबकि सिर्फ नाइट्रोजन है जिसकी इतनी पावर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, ओनली नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्राइड आयन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो वो क्या शो करता है, इसे कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, और मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एटसेट्रा। ठीक है, वाइल अदर्स शो ओनली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट,
ठीक है, ओनली या कह सकते हो शो माइनस थ्री फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर्मल का मतलब कि वो कोवलेंट बॉन्ड में ही शो करते हैं, इवन विद अल्कली मेटल्स। समझ में आया? कहता है कि जो दूसरे एलिमेंट है वो माइनस थ्री फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। फॉर्मल का मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे, वो नेगेटिव आयन नहीं बना सकते। इवन विद मतलब कि अगर वो अल्कली जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है ना, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, तो अल्कली के साथ भी वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? ओनली नाइट्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो अब पॉजिटिव कितनी शो करते हैं नॉर्मली? अब पॉजिटिव नॉर्मली कितनी शो करेंगे? पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीन, तो वो तीन के तीन शो कर सकता है प्लस थ्री, या फिर क्या शो करेगा? प्लस फाइव। ठीक है, फिर से प्लस का मतलब लॉस नहीं होगा, प्लस का मतलब क्या होगा कि ये किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जुड़ गए जिसने इनके इलेक्ट्रॉन थोड़े से अपनी तरफ खींच लिए। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स जर्नली शो प्लस थ्री एंड प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वो प्लस थ्री और प्लस फाइव दोनों के दोनों शो कर देता है, बट डू नॉट फॉर्म एम थ्री पॉजिटिव आयन और एम फाइव पॉजिटिव आयन। तो समझ गए इसका मतलब? इसका मतलब कि वो कंप्लीट लॉस नहीं करेंगे। हाँ, बस उनके इलेक्ट्रॉन हल्के से दूसरे के पास चले गए हैं, कंप्लीट मतलब वो तीन या पांच इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट बिस्मिथ। ठीक है, एक्सेप्ट बिस्मिथ विच फॉर्म बिस्मिथ थ्री पॉजिटिव आयन विद फ्लोरीन, दैट इज BiF3। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ बिस्मिथ है जो तीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, और वो भी किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, और कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। और बिस्मिथ भी सिर्फ किसके साथ शो करेगा? फ्लोरीन के साथ। तो प्लस थ्री, जैसे भाई कंफ्यूज मत हो, जैसे NF3 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ने तीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई जो नाइट्रोजन के जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन थे ना, वो हल्के से फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए, बस। और कोई मतलब नहीं है। कभी सोचो कि भाई प्लस तीन की प्लस तीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर लोगे? लॉस नहीं कर रहे हैं, फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर। लिखा ना कि डू नॉट फॉर्म थ्री पॉजिटिव और फाइव पॉजिटिव आयन। क्लियर है ये? फिर अब इसमें कुछ बात लिखो नोट डाउन करने की। क्या कहते हैं? एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। है ना, 11th में समझाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। तो कहता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, दैट इज एंटीमनी और बिस्मिथ प्लस फाइव नहीं शो करते, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही शो करेंगे। और रीजन क्या देता है? इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या देता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब फिर से समझा देता हूं मैं कि क्या होगा। वो जैसे ये होता है ना हमारे पास NS2 NP3, तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? जब ये एक्साइड होकर के कहां पर पहुंच जाए? ये अपर शेल में या डी ऑर्बिटल में पहुंच जाए। क्लियर है? डबल बॉन्ड तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। अब इनको प्लस फाइव का मतलब पांच बॉन्ड बनाए, वो कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचे। अब जब इसको अपर लेवल में एक्साइट होना है तो एनर्जी चाहिएगी बहुत सारी, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? इसको बॉन्ड बनाने से। तो बट जो नीचे वाले एंटीमनी और बिस्मिथ, उनका साइज तो इतना बड़ा होता है कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे नहीं।
तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी इतनी सफिशियंट होगी नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन अपर लेवल तक पहुंच पाए। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पेयर है वो किसकी तरह काम करेगा, इनर्ट। सुन रहे हैं, तो इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, और कौन है ये, पेयर है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बन गया। मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ कितने पार्टिसिपेट करेंगे, तीन, और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे, प्लस थ्री। इसलिए कह रहा है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे प्लस थ्री जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो टेंडेंसी टू शो प्लस थ्री वो इंक्रीज हो जाएगी। प्लस फाइव डिक्रीज हो रही है एंड प्लस थ्री इंक्रीज हो रही है एंड देयरफॉर टेंडेंसी टू शो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। जो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे और इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होगे। अब जो इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो नोट डाउन करने की बात है, वो क्या कहता है कि नाइट्रोजन शो ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम माइनस थ्री टू प्लस फाइव ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अकेला नाइट्रोजन है जो माइनस थ्री से प्लस फाइव सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं, और उसका जो मेन रीजन क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो पाई बॉन्ड बना लेता है। और भी पाई बॉन्ड कौन बनाता है, जिनका साइज छोटा होगा। तो जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पाई बॉन्ड की जो पावर है वो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए बाकी बचे हुए सबके सब ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो आती है कोवेलेंसी। कि कोवेलेंसी अब क्या चीज होगी, क्या मतलब होगा वो देखो आप यहां से, कोवेलेंसी। ठीक है, तो कोवेलेंसी, को का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका अगर मैं सिंपल सा मतलब समझूं कि भाई कोवेलेंसी होती क्या है, तो इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। ठीक है, कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाता है वो क्या कहलाएगी, इसकी कोवेलेंसी। ना इलेक्ट्रोवेलेंसी होती है, कोवेलेंसी होती है कितने इलेक्ट्रॉन वो अपने शेयर करता है वो। तो क्या कहता है कि जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज फोर, और रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, या फिर ये लिखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली S एंड P ऑर्बिटल। कि वहां पर जो है सिर्फ S और P ऑर्बिटल ही होता है, S में एक रूम खाली है और P में तीन रूम्स अवेलेबल है, तो इसकी वजह से टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, वो सिर्फ थ्री बॉन्ड ही बनाएगा। तो इस चीज से कंफ्यूजन मत होना कि भाई जो नाइट्रोजन है शो तो करता है प्लस फाइव, जबकि कोवेलेंसी है सिर्फ फोर है। तो प्लस फाइव वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो अलग चीज होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लू मैं N2O5, तो यहां पर क्या हो रहा है कि देखो ध्यान से, N2O5 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ये यहां पर, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई नाइट्रोजन की, प्लस फाइव, वो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहां पर जो बॉन्ड है नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, बॉन्ड चार ही बनाएगा, चार से ज्यादा नहीं बना सकता। बट प्लस फाइव का मतलब क्या होगा कि इसके पांच के पांच इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, एक इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है ना, पूरा का पूरा लोन पे इसने डोनेट कर दिया। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना, एक तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें भी तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा कि जो नाइट्रोजन है बॉन्ड तो बनाता है चार, बट फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर देता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स मत करना। आप ये एग्जांपल लिखोगे उसमें बताओगे कि नाइट्रोजन बॉन्ड तो बनाता है चार ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बट ये पांच के पांच इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखोगे। तो हो जाएगा ये कि जो मैक्सिमम होगा वो एस और पी ऑर्बिटल है, उसी की वजह से ये, तो कोवेलेंसी इसकी फोर होगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं दैट्स व्हाई
दैट्स व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म। क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा ये भी NCl5 NF5 एटसेट्रा कि ये क्यों नहीं बनाएगा, ये पांच बॉन्ड है, पांच बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, रीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बट जो बच गए ठीक है, बट रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड फाइव। ठीक है, पांच, पांच से भी ज्यादा, बियॉन्ड का मतलब पांच से भी ज्यादा हो गया, दूर हो गया, बियॉन्ड फाइव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसकी वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है प्लस सिक्स तक, सॉरी ये सिक्स तक शो कर देते हैं। ठीक है, तो इस समझ में आ गया ना, ये तो कोवेलेंसी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरे पूरे चांसेस है, इस कोवेलेंसी पे तुमसे क्वेश्चन पूछे जाए तो अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमने जरूर पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब हम जानते ही है ना, कि जिसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसको हम बोल देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, इलेवेंथ में हमने पढ़ा हुआ है, दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल एटम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ उसी एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि जनरली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, यही शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, मैंने लिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड HNO2। ठीक है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो 3HNO2 कन्वर्ट्स इनटू HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O, हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहां पर जो नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको, नाइट्रस एसिड, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, और इसको नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 है, यहां पर प्लस 2, मतलब प्लस 3 से प्लस 5 ऑक्सीडेशन हुआ, प्लस 3 से प्लस 2 रिडक्शन हो गया। ऐसे ही फॉस्फोरस एसिड H3PO3 कन्वर्ट्स इनटू H3PO4 प्लस PH3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो गई हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहां पर ये -3। ठीक है, तो प्लस 3 से प्लस 5 ऑक्सीडेशन, प्लस 3 से -3 रिडक्शन। अब बात ये आती है कि बाकी क्यों नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन भी आप लिख सकते हो, पूछ सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ड्यू टू इनएबिलिटी टू शो प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, उनकी एबिलिटी होती है कि वो प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इस वजह से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपने अच्छे से समझनी है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।